अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स का जो सिलेबस है इनिशियल टेस्ट का वो डिस्कस करेंगे कि टेस्ट किस तरह होता है, पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और तमाम क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQs बेस्ड होते हैं। तो आपको कंप्यूटर चलाने का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कंप्यूटर पे आपने टेस्ट सॉल्व आउट करना होता है, यानी कि आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट किस तरह होता है। टेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट, दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट का पार्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, और एकेडमिक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में 100 MCQs होते हैं, आपके पास 30 मिनट्स टाइम होता है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसकी दो टाइप्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इसी तरह वर्बल इंटेलिजेंस में भी 15 मिनट्स टाइम होता है और आपके पास 50 MCQs होते हैं। नॉन वर्बल में भी 50 MCQs होते हैं, 15 मिनट्स आपके पास टाइम होता है। टोटल 100 MCQs होते हैं, आपके पास 30 मिनट्स टाइम होता है। 30 मिनट्स में आपने इन 100 MCQs को सॉल्व आउट करना होता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 21 टाइप्स हैं, यानी कि 21 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, और नॉन वर्बल की जो 6 टाइप्स हैं। ये हम ऑनलाइन क्लासेस जो करवाएंगे उसमें आपको ये सारी टाइप्स पढ़ाई जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चन की एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ किस टाइप के होते हैं। जैसे ये है, चूज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है और बाकी तीनों ये फिजिक्स की ब्रांचेज हैं। इसी तरह मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न्स दिए हुए होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और नेक्स्ट डिजिट क्या होगा आपने फाइंड आउट करना। इसी तरह के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, तो वो आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसमें आपको फर्दर बताया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल इस तरह फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस तरह फिगर्स दी जाती हैं, आपने फाइंड करना होता है इनमें से करेक्ट पैटर्न कौन सा है। जैसे यहाँ पे देख लें कि आप ये पहली फिगर जो है इसमें जो फील्ड सर्कल है ये ऊपर है, नेक्स्ट फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहाँ पे आ गया है, उससे बाद रोटेट करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, ये इस फिगर में यहाँ पे आ गया, उसके बाद रोटेट करते हुए ये यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे आ चुका है, इसके बाद रोटेट करते हुए इसमें यहाँ पे जाना था लेकिन यहाँ इस फिगर में ये यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ में से इनमें से ये एक डिफरेंट है और यही करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एकेडमिक पोर्शन की। एकेडमिक पोर्शन में दो बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं, एक तो फिजिक्स हो गई और दूसरी इंग्लिश। फिजिक्स में भी 75 MCQs होते हैं, 40 मिनट्स में आपने सॉल्व आउट करने होते हैं, और इंग्लिश में भी 75 MCQs होते हैं जो कि आपने 40 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। तो ये एकेडमिक टेस्ट का जो है ना पोर्शन होता है। तो अगर आपने इस टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी करनी है, हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मजीद डिटेल्स ले सकते हैं और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।